अग्निपथ से तो पूरा देश में ही आग लग गया है, और जब जब बिहार का नौजवान जागा है, दिल्ली की तख्त पलट सरकार की तख्त पलट हुई है। कम से कम सेना को तो बकस देती है सरकार। जब तक वो युद्ध लड़ने के लिए योद्धा बनेंगे, 4 वर्षों में वो जब शस्त्र का ट्रेनिंग ले लेंगे, इसके बाद फिर आकर के वो क्या करेंगे, उनका भविष्य तो अंधकार में हो जाएगा बेरोजगारी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार जो छात्र हैं वो उग्र रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, देश के कोने कोने पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप इसकी आज बिहार में काफ़ी उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार जो तमाम विपक्षी पार्टियाँ हैं वो छात्रों के साथ उतरे हुए हैं, और हमारे साथ RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या कुछ RJD अग्निपथ योजना के लिए छात्र? देखिए, ये तो केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना सेना में भर्ती को लेकर के बनाई गई है, इस योजना अग्निपथ से तो पूरा देश में ही आग लग गया है। वही बेरोजगारी का पथ है ये, इसको लेकर के तो पूरा आग में झुलस कर पूरा आज नौजवान लथपथ है। तो इस अग्निपथ का पुरजोर विरोध हो रहा है। स्वाभाविक रूप से नौजवानों के भविष्य का के साथ जो सरकार ने खिलवाड़ किया है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में कर दिया गया है। कम से कम सेना को तो बकस देती है सरकार। ये जो सरकार बाजारवादी सोच और ठेका प्रथा की सोच रखती है, कम से कम सेना को बकस देती, सेना भी आज अछूता नहीं है इससे। तो इसलिए इसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल आज आक्रोश मार्च युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से निकाला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट किया है कि हम आंदोलन कर रहे बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़े हैं, और अस्थाई नौकरी जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था केंद्र की सरकार ने, वो तो दे नहीं पाई। तो अब ये अग्निवीर बना करके गरीबों के बेटे, झोपड़ियों में रहने वालों के बेटे जा करके सीमा पर सुरक्षा करेंगे देश की। जब तक वो युद्ध लड़ने के लिए योद्धा बनेंगे, 4 वर्षों में वो जब शस्त्र का ट्रेनिंग ले लेंगे, इसके बाद फिर आकर के वो क्या करेंगे, उनका भविष्य तो अंधकार में हो जाएगा बेरोजगारी की जो मार होगी, उससे वो परेशान होकर के फिर शस्त्र चलाएंगे, और पूंजीपतियों उद्योगपतियों के मॉलों में संस्थानों में वो पहरेदारी का काम करेंगे। ये कौन सी नीति है? इसलिए ये जो अग्निपथ और अग्निवीर बना रही है सरकार, अमीरों के बेटे, पूंजीपतियों उद्योगपतियों के बेटे वो कराएंगे खाएंगे खीर, और ये गरीबों के बेटे जा कर के अग्निवीर बन कर के सरहद पर जान की बाजी लगाएंगे और देश की सुरक्षा करेंगे। तो ये योजना वापस सरकार को अविलंब लेना पड़ेगा। BJP के वरिष्ठ नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने साफ तौर पर राजद पर आरोप लगाया है कि जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो राजद के समर्थक, राजद कार्यकर्ता इस तरह के प्रदर्शन को उग्र कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय गिरिराज सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं, अब हर चीज़ के लिए राजद के लोग कर रहे हैं, तो हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे? हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते सरकार में बैठे लोगों की अगर हिम्मत है, नौजवानों के प्रति अगर सहानुभूति रखते हैं, अगर सरकार संवेदनशील है, तो सभी माननीय मंत्री को, सरकार में बैठे लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि नौजवान फिर चुनाव नज़दीक है तो सूद और ब्याज के साथ बदला लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जो अग्निपथ है, जो अग्निवीर हैं वो लगातार BJP के जो नेता हैं मंत्री उनको टारगेट कर रहे हैं, और BJP का कार्यालय को आज सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं इसको लेकर के नौजवानों में आक्रोश है। नौजवान किसी समाज का, राज्य का, देश का रीढ़ होता है। आज उसी को कमज़ोर करने पर केंद्र की सरकार, भाजपा शासित राज्यों की सरकारें तुली हुई हैं। आखिर ये आप कौन सा सेना भर्ती प्रक्रिया पिछले 2 वर्षों से बंद था? लोग तैयारी किए हुए थे, केंद्र की कैबिनेट मंत्री, माननीय मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सेना भर्ती प्रक्रिया निकलेगी, लेकिन इसमें अमूल चूल परिवर्तन करके जो क्षमता, जो दक्षता होनी चाहिए,
नौजवानों में देश के प्रति मर मिटने की जो जोश होता है, जो कमिटमेंट होता है, वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अब 4 वर्ष का नौकरी है, जो सरहद पर लड़ेगा योद्धा बन करके युद्ध में, वो सोचेगा कि 4 वर्षों के बाद तो फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये चीज़ बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना होगा, आक्रोश झेलना पड़ेगा, आक्रोश और बढ़ेगा। जब तक ये वापस नहीं लेंगे इस योजना को, तब तक देश का नौजवान, और जब जब बिहार का नौजवान जागा है, दिल्ली की तख्ता तख्त पलट सरकार की तख्त पलट हुई है। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब जब नौजवान जागा है, जब जब दिल्ली का तख्त पलटा है। और भी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।